लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी सियासी दल जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन और विपक्ष के इंडिया अलायंस के नेता एक दूसरे को हराने के लिए हर रणनीति पर महामंथन कर रहे हैं। इसी बीच एक सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंजा, वो ये कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। इधर सपा मुखिया ने मायावती को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया। बलिया पहुंचे अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने पर सवाल पूछ लिया, जिसके जवाब में सपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें बसपा चीफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने उल्टा पत्रकार से ही सवाल दाग दिया कि चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? सर आप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट देने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधी तरह से ना सही गोलमोल जवाब देते हुए कहा, जैसा आप सोच रहे हैं वही बात है। सर अफजाल अंसारी के बेटी की शादी में जिस तरह से पूरा समाजवादी पार्टी का कुलबा वहां मौजूद था, तो ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी, इसकी कितनी सच्चाई है? सर देखिए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं, जो आप सोच रहे हो वही बात है। सर राजीपुर से लड़ेंगे अफजाल अंसारी? नहीं, अभी तय होना है आने वाले समय में, लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में SP-BSP गठबंधन ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्ष के सारे दांव पेच धरे रह गए थे। 2019 में यूपी की 80 सीटों में से BSP ने 8 और SP ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अभी तक इतना तो साफ है कि मायावती फिलहाल तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन राजनीति चीज ही ऐसी है कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर अखिलेश यादव ने मायावती पर इतना बड़ा बयान देकर सियासी बयानबाजी को हवा दे दी है। अब देखना यह है कि बसपा चीफ सपा मुखिया पर किस तरह से अपना गुस्सा निकालती है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।